सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड मॉर्निंग। आज का क्वेश्चन कोड है TRN 62, 62वां कोड है। चलिए सवाल को बनाते हैं। सवाल नंबर वन पर आते हैं। सवाल नंबर वन कहता है कि सबसे छोटी अवाद संख्या कौन है। तो सबसे छोटी अवाद संख्या दो होती है, इसको याद रखना है, सबसे छोटी अवाद संख्या दो होती है। सवाल नंबर दो पर आते हैं। दो को देखिएगा, दो नंबर सवाल को लिखते हैं। दो नंबर सवाल यहाँ कहता है √56 + √56 इन्फिनेटिव तक गया है। तो इस तरह के सवाल को हम कैसे बनाते हैं, तुरंत एक सेकंड में बना सकते हैं। एक ज़्यादा एक कम में तोड़िएगा, तो 56 को हम तोड़ लेते हैं, 7 8 56 7 9 8। बस अंदर में देखिएगा कि अंदर में आपका है क्या, अंदर में क्या है, प्लस है। बस इसका आंसर 7 या 8 दोनों में से कोई एक होता है, तो अंदर में हम देखते हैं कि प्लस है, तो प्लस मतलब ज़्यादा होता है, तो 7 और 8 में ज़्यादा क्या है, 8, इसलिए इसका उत्तर 8 हो जाएगा, आंसर हो गया 8। आपको डायरेक्ट याद रखना है, तरीके को नहीं याद रखना है कि प्रोसेस हम बनाएंगे तभी आंसर मेरा होगा, डायरेक्ट आप 8 लिख सकते हैं, आंसर हो गया। समझ में आगे। सवाल नंबर यहाँ पर आते हैं 3 पर। 3 नंबर सवाल कहता है कि √5 है, √5 + √5 + √5 इन्फिनेटिव तक है। देखिए अगर यहाँ पर माइनस रहता तो 7 आंसर होता है, लेकिन प्लस है तो 8 आंसर हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसमें बोलेगा कि टूटेगा नहीं, ये टूटता था एक ज़्यादा एक कम में, तो हम तोड़ लिए। अगर जो नहीं टूटेगा तो उसका, उसमें हम क्या करेंगे, ध्यान देना है, जो नहीं टूटेगा तो उसका कम कारण क्या होता है, उसके लिए एक सूत्र होता है, सूत्र ध्यान देना है कि सूत्र होता है √4a + 1/2। इसको याद रखना है, और इसको याद रखने के लिए यहाँ पर कारण क्या है, ध्यान से सुनिएगा, हम आपको बता रहे हैं कैसे याद रखना है। √4a + 1, ए मतलब क्या, ये जो वैल्यू रहता है, और इसको करने के बाद अंदर में प्लस होगा तो प्लस 1 जोड़िएगा एक्स्ट्रा, अगर अंदर में माइनस होगा तो माइनस करना है, ऐसे याद रखना है। √4a + 1 याद रखना है, √2 अंदर में प्लस होगा तो 1 जोड़ दीजिए, अंदर में माइनस होगा तो 1 घटा लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। इसको हल करेंगे क्या होगा, √4a तो 5 × 20 हो गया, 20 + 1 + 1/2। इसको हल करेंगे √21 + 1/2, ये उत्तर होना चाहिए, ये जिसके ऑप्शन में होगा वही आंसर होगा। तो ये ऑप्शन किसी में नहीं है, तो ये नन ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज उत्तर लिख दिए, ये आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। 4 पर आइए। 4 नंबर कहता है, 4 नंबर यहाँ पर कहता है कि यदि किसी घड़ी में घंटा वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो घंटा वाली सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री का कोण बनाती है, 1/2 डिग्री। इसको याद रखना है कि घंटा वाली सुई, हम क्लास में पढ़ा चुके हैं कि घंटा वाली सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री का कोण बनाती है, घंटा वाली सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री का कोण बनाती है, यानी 1/2 डिग्री, 1/2 डिग्री। और मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, मिनट वाला 1 मिनट में 6 डिग्री, घंटा वाले 1 मिनट में हाफ डिग्री, ऐसे याद रखना है। छोटा वाले सुई जो रहता है छोटा डिग्री बनाती है, बराबर वाला सुई बड़ा डिग्री बनाती है। सवाल नंबर 5 के और आइएगा। 5 नंबर कहता है कि यदि किसी संख्या को 5 गुना किया जाए तो वह संख्या मूल संख्या की कितने गुनी हो जाएगी। तो यदि किसी संख्या को 5 गुना किया जाए तो वह संख्या मूल संख्या की कितनी गुनी हो जाएगी। तो कुछ नहीं करना, आपको लिखना है 400%। गुनी पूछ रहा है ना, हाँ, कितनी गुनी हो जाएगी, ये गुनी पूछ रहा है, तो सिर्फ आपका हो जाएगा 5 गुनी। तो सवाल यहाँ कहता है कि यदि किसी संख्या को 5 गुना किया जाए, संख्या जिसके बारे में आप नहीं जानिएगा, तो जो बोलेगा वही रिटर्न कर दिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो संख्या हम नहीं जानते कि संख्या क्या है, आम है या इमली है या कटहल है, तो कहा 5 गुना कर दिया जाए तो वह मूल संख्या की कितनी गुनी हो जाएगी, तो 5 गुनी हो जाएगा, चुपचाप 5 गुनी लिख देना है, आपका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर का आंसर होगा 5 गुनी, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर कहता है कि यदि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि किया जाए तो उस आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यहाँ पर आयत की लंबाई, आयत का क्षेत्रफल, ये सब मौखिक हम बताते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो जो नहीं मेरे पास पढ़ते हैं तो ध्यान देना है, जो पढ़ते हैं तो वो तो आंसर लिख दिए होंगे। लंबाई में 10% की वृद्धि, अगर एक में बोलेगा तो जो बोलेगा वही आप लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 10% वृद्धि, आपका आंसर होगा। अगर चौड़ाई में भी बोलता 10% वृद्धि तो 10% वृद्धि हो जाता है। अगर दो गो में बोलता उसके लिए हम तरीका बताते हैं, सवाल आएगा तो फिर हम उसमें हम आपको सिखाएंगे, आपका आंसर हो जाएगा 10%। 6 का आंसर 10% हो गया।
सवाल नंबर सात की ओर आते हैं। सात पर देखिए, सात को देखिए, सात नंबर हम बनाते हैं। सवाल नंबर सात पर आइएगा। सवाल नंबर सात कहता है, यदि किसी शंकु की ऊंचाई को दोगुना किया जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। सवाल यहाँ पर कहता है कि यदि किसी शंकु की ऊंचाई को दोगुना किया जाए तो उसका आयतन, तो 1/3 पाई स्क्वायर शंकु का आयतन होता है, यह होता है सवाल नंबर सात। ऊंचाई को दोगुना किया जाए तो ऊंचाई ये होता है, तो रेस्ट को छोड़ दिए, जिसमें बोलेगा उसी को पकड़ना है। दोगुना किया जाए तो दोगुना कर लिए। तो अगर पूछता कि यदि किसी शंकु को ऊंचाई में दोगुना किया जाए तो उसका आयतन मूल आयतन का कितना गुना होता है, तो दोगुना होता है। लेकिन दोगुना होगा तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो प्रतिशत वृद्धि बोलेगा तो दोगुना बोलेगा तो दोगुना में 100% की वृद्धि होता है। इस चीज़ को याद रखना है, 100% की वृद्धि हो जाएगा। तीन गुना में 200%, एक कम कर देना है, उस पर जीरो डाल देंगे, वही परसेंट हो जाएगा। तीन गुना में 200%, पाँच गुना में 400%, आठ गुना में 700%, नौ गुना में 800%, 20 गुना में 1900%। बस ये काम करना है, चुपचाप लिख देना, आपका आंसर हो जाएगा। और क्यों होता है, कैसे होता है, दिमाग नहीं लगाना है आपको, आंसर ये लिख देना है। ये हम प्रतिशत में पढ़ाते हैं, इसको प्रूफ भी करते हैं, लेकिन उतना प्रूफ करने का टाइम नहीं है। आपको सिर्फ याद रखना, एक कम करके जीरो बैठा दिए, आपका आंसर हो जाएगा। क्लास में हम तैयारी करा चुके हैं इसका। चलिए सवाल नंबर आठ की ओर आइएगा। आठ पर आइए, आठ को समझिए। सवाल नंबर आठ देखिए, सवाल नंबर आठ यहाँ पर कहता है, राम तथा श्याम की आयु का अनुपात, राम है और श्याम है, आयु का अनुपात 3:5 है। तो आयु कुछ नहीं बोला, तो ये प्रेजेंट में हो गया, प्रेजेंट को पी से डिनोट करते हैं। 10 साल के बाद राम की आयु 40 होगी, 10 साल के बाद राम की आयु 40 होगी, यानी 10 साल के बाद राम 40 साल का होने वाला है। इसका मतलब राम अभी कितना है, 30 साल का। तो राम 30 साल का अभी है, तो राम का वैल्यू कितना है, 3, 3 में 30। तो हमको पूछा जा रहा है कि 5 वर्ष पहले श्याम की उम्र क्या था, पहले श्याम पास पहुँचे, श्याम 5 है, 5 से गुना कर लेते हैं, तो इसको काट लेते, जिसका वैल्यू रहता है उससे भाग देते, और जिसको पता करना पड़ता है उससे गुना करते, ये बता चुके हैं। तो 10/50, श्याम की उम्र प्रेजेंट में 50 साल हो गया। तो हमको कहा था 5 साल पहले श्याम की उम्र क्या थी, पहले मतलब 5 घटेगा, 45 आपका आंसर होगा, ये उत्तर हो जाएगा 45 आंसर होगा सी नंबर। सवाल नंबर 9 की ओर बढ़िए, 9 को देखिए, 9 नंबर आते हैं, 9 को देखिएगा। सवाल नंबर 9 कहता है कि 5 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु, ए की आयु बी की आयु की दुगुनी थी, 5 वर्ष पूर्व। सवाल नंबर 9 लिखते हैं, 5 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की दुगुनी थी, तो अगर ये एक तो ये दो। यहाँ पर सवाल कहता है 5 वर्ष पूर्व लिख दिए, यदि दोनों की आयु का योग 40 वर्ष हो, योग 40 है मतलब ये वर्तमान में का। आपको ध्यान देना है कि ये जब अनुपात बुलाएगा तब आपको चलना पड़ेगा। ये कहता है 5 साल पूर्व, पूर्व मतलब क्या होता है, पीछे, 5 साल पीछे जाना पड़ेगा। तो एक आदमी के लिए 5 घटेगा, तो दो आदमी के लिए 10 घटेगा, तो 10 घटा देंगे तो 5 साल पूर्व हम चले आएंगे, तो 40 में 10 घटेगा 30 हो गया, यानी दोनों का योग 30 है 5 साल पूर्व, तो दोनों के योग कितना, 3, जिसका वैल्यू रहता है उससे डिवाइड करते हैं। तो हमको कहता है 10 वर्ष बाद एक की उम्र क्या होगी, एक की उम्र पहले निकाल लीजिए, दो वैल्यू है तो 2 से गुना कर लेते हैं, ये हो गया 20। ये 20 कब आएगा, 5 वर्ष पूर्व आएगा, 5 जोड़ेंगे तो ये वर्तमान में 25 साल हो जाएगा। लेकिन हमको कहता है 10 वर्ष बाद क्या होगी, तो 10 वर्ष बाद 10 जोड़ देंगे, आपका आंसर होगा 35, यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा 35 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा, यही उत्तर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िएगा, इसमें आंसर नहीं है, नन ऑफ दिस आप आंसर लगा सकते हैं, नन ऑफ दिस हो जाएगा। 10 वर्ष बाद पूछा जा रहा है, तो 10 वर्ष बाद आप लिख सकते हैं, आपका आंसर 35 वर्ष होगा। चलिए अगले सवाल की ओर आइएगा, अगले सवाल को बनाते हैं। अगला सवाल कहता है कि एक का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था, इसको शॉर्टकट प्रोसेस हम बता चुके हैं, जिसको याद होगा वो बना लेंगे, जो न्यू स्टूडेंट है वो समझने का प्रयास करेंगे, उसको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसको हम क्लास में, ऑफलाइन क्लास में बहुत ही बेहतरीन तरीके से 2-3 तरह से बनाते हैं, ताकि आपको दिक्कत नहीं होता। तो चलिए फिर भी याद होगा आपको, जो क्लास करते हैं मेरे पास, ठीक है, नहीं करते वो भी समझिए। एक का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था, तो 6 वर्ष पूर्व हुआ था, 6 वर्ष पूर्व को याद रखना है। अब कहता है, अब उसकी आयु विवाह के समय क्या है कि 1.14 है, तो इसको सिर्फ हल करना है 5/4। अब उसकी आयु विवाह के समय की आयु का 5/4 है, ये कहा, तो आप बड़ा डिजिट को वर्तमान बोलते हैं, यानी कि वर्तमान में उसका
अनुपात का वैल्यू जो रहेगा 5 होगा, यह विवाह कम वाला रहता है, इसको याद रखना है, जो मेरे पास नहीं पढ़े ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर देखना है 6 वर्ष पूर्व, बस ये दोनों का अंतर है, ये दोनों का अंतर कितना, एक, एक में 6, एक में 6 आ गया तो 5 में आपको निकालना है, तो 5 में निकालना है तो 6 से गुना हो जाएगा, यानी वर्तमान में 30 वर्ष हो जाएगा। वर्तमान में 30 वर्ष हो गया तो हमको कहता है कि उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 है, उसकी आयु 30 वर्ष है, उसकी आयु का मतलब गुना 1/10 है। इसको हल करेंगे तो पुत्र की आयु कितना होगा, 3 वर्ष, यही आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। एक बार समझने का प्रयास करेंगे, जो मेरे पास पढ़े हैं कॉपी को उल्टा के देख लीजिएगा, इसका हम 2-3 तरह से हम बताए हुए हैं, आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 11 पर आइए। मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी है, 11 नंबर का आता है, मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी, इसको मिटा लेते हैं उसके फिर आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 की ओर, सवाल नंबर 11 कहता है मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु के 3 गुनी है, तो मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु के 3 गुनी है, अगर ये 1 तो ये 3, कुछ नहीं कहा तो ये वर्तमान में हम लिख दिए। उसके बाद फिर कहता है, फिर यहाँ पर कहता है 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु के 2.5 गुनी होगी, 5 साल के बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु के 2.5 गुनी, 2.5 गुनी मतलब 5/2 ऐसे लिखा हुआ, इसका मतलब 5/2 होगा, तो मेरी उम्र ज़्यादा होगा इसलिए ज़्यादा यहाँ लिखते हैं, पुत्र छोटा होगा तो यहाँ लिखती है। तो हमको कहता है कि मेरी वर्तमान उम्र क्या है, तो मेरी वर्तमान उम्र क्या है, तो इसके लिए रामबाण हम बताते हैं कि इधर जो लिखा हुआ रहता है उसको लिख दिए, उसका किसी एक अनुपात का अंतर लीजिए, अंतर मतलब घटाओ, तो ये 3 हो गया। अब कोना कोने गुना करके बटा करते हैं, 3 × 2 = 6, 5 × 1 = 5, तो दोनों का घटाव कितना हो गया, 1। अब जिसका वैल्यू पता करना होता है बस उससे गुना कर लेते हैं, तो हमको पूछा जा रहा है कि मेरी वर्तमान उम्र क्या है, तो मेरे सामने कितना है, 3, 3 से हम गुना कर लेते हैं, 5 × 3 = 15, 15 × 3 = 45, तो मेरी उम्र क्या हो जाएगा, 45 वर्ष, यही आंसर हो जाएगा, 45 वर्ष, ये उत्तर हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर आइएगा, सवाल कहता है प्रथम 100 सम संख्या का औसत क्या होगा, प्रथम 100 सम संख्या का औसत, सम संख्या का औसत का सूत्र होता है n+1, सवाल नंबर 12 बोलता है सम संख्या का औसत होता है n+1, प्रथम जिसमें लगा रहा था उसमें हाफ करने की जरूरत नहीं होती है, आपका आंसर 101 हो जाएगा, यह उत्तर हो जाएगा 101। अगला सवाल कहता है 13 प्रथम 50 सम संख्या का योगफल क्या होगा, प्रथम 50 सम संख्या का योगफल, 13 नंबर सम संख्या का योगफल का सूत्र होता है औसत n+1, बस इसमें संख्या से गुना कर दीजिएगा तो ये योगफल का सूत्र होता है, तो योगफल का सूत्र होता है, तो यहाँ पर सिर्फ लग दिए प्रथम के लिए 50 यहाँ रखते हैं, 50 + 1 यहाँ लिख देंगे × 50, तो 51 × 50 हो जाएगा, इसको हल कर लेते हैं, 5 × 25 यानी 2550 आपका आंसर हो जाएगा, 2550 उत्तर हो गया, समझ में आ गया। सवाल नंबर 14 की ओर बढ़िएगा, एक दो बार देख लीजिएगा, सिर्फ सुनिएगा, सुन के आपको याद हो जाएगा कि हम बनाना क्या चाहते हैं। सवाल नंबर 14 की ओर आइएगा, सवाल नंबर 14 हम बना रहे हैं, 14 को ध्यान से देखिए, सवाल नंबर 14 देखिए, सवाल नंबर 14 यहाँ पर कहता है कि सवाल नंबर 14 बोला जा रहा है कि 8 के प्रथम 3 गुणजों का औसत क्या होगा, तो औसत बराबर आपको पता है कि औसत बराबर होता है पहली जोड़ अंतिम, औसत बराबर पहली जोड़ अंतिम 2 होता है, 8 × 8 = 8 कर लिए, पहली संख्या मतलब 1 हो गया, बीच में प्लस 3 × 3 है ना, तो 8 × 3 कर लेते हैं, बस इसको हल करते हैं 2, जैसे कहता 5 × 5 = 5 × 1 + 5 × 5, 5 × 10 = 5 × 1 + 5 × 10, बस लास्ट में जितना तक बोलेगा वो उतना लिख दिए और पहली संख्या के लिए 1 करते हैं, 8 × 24 = 8 = 32 = 16 आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा 16। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िएगा, सवाल नंबर 15 पढ़ाइए, 15 को सिखाते हैं, 15 नंबर सवाल आना है, 15 नंबर सवाल कहता है यहाँ पर 5 संख्या का औसत 8 है, 5 संख्या का औसत 8 है, यदि उनमें 2 संख्या और जोड़ा जाए तो औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है, 5 संख्या का औसत 8 है तो 8 × 5 = 40, सवाल नंबर 15 का आता है,
उसमें से यदि उनमें से दो संख्या और जोड़ा जाए, जोड़ेंगे तो पाँच दो सात हो जाएगा, जोड़ा जाए तो औसत में दो की वृद्धि हो जाती है, पहले आठ था तब दस हो गया, यह सत्तर हो जाएगा। तो हमको पूछता है तो नए दो संख्या का औसत क्या होगा, तो पहले नया दो संख्या क्या होगा, सत्तर हो गया, पहले चालीस था तो नया तीस हो गया। तो दो संख्या का औसत, औसत बराबर योग बटा संख्या होता है, दो से डिवाइड कर लेंगे तो आपका आंसर पंद्रह हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा पंद्रह। चलिए अगले सवाल की ओर आइएगा। सवाल नंबर 16, तीन व्यक्ति एबीसी एक व्यापार दो अनुपात तीन दो तीन चार के अनुपात में पूंजी का निवेश करता है। सवाल नंबर 16 कहता है तीन व्यक्ति एबीसी, एबीसी है दो अनुपात तीन अनुपात चार के अनुपात में पूंजी का निवेश करता है। तो उसके बाद कहता है यदि वर्ष के अंत में उनका कुल लाभांश 18,000 हुआ है, तो यहाँ पर वर्ष के अंत में बोला, किसी का पर्सनल टाइम नहीं बोला। इसका नियम कहता है कि पहले पूंजी लिखिए, उसका समय से गुणा कीजिए और जो बच जाता है वही लाभांश होता है। तो समय किसी का पर्सनल नहीं दिया तो इसलिए इसको छोड़ दिए, इसीलिए यही लाभांश हो जाएगा। तो टोटल लाभांश यहाँ आपका 18,000, तो टोटल यहाँ कितना, तीन दो पाँच चार नौ, जिसका वैल्यू रहता है उससे भाग देते हैं। तो हमको पूछता है ए और सी के लाभांशों का अंतर क्या है, तो ए और सी के लाभांशों का अंतर, अंतर मतलब घटाओ, चार में दो गया दो, दो का अंतर है दो से गुना कर लेते, 2000 बार में कटेगा, 2000 गुना टू यानी 4000 आपका उत्तर होगा, यही आंसर हो जाएगा 4000। चलिए अगले सवाल की ओर आइएगा। सवाल नंबर 17 पर आते हैं। 17 नंबर इकाई अंक ज्ञात करने वाला है, इकाई अंक कैसे बनाएंगे देखिएगा। सब सवाल जितने भी सवाल आपको हम सिखा रहे हैं बस मेरे पेपर का बनाते रहिए, आपका पार घाटा लग जाएगा और कुछ करना नहीं है, पेपर को हल कीजिए और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपसे सवाल बन जाएगा एग्ज़ाम का, बचेगा नहीं। 8326 गुना 3267 इस पर पावर है 425। देखिए कुछ नहीं करना, जिस पर पावर नहीं रहता है उसका इकाई अंक, एक गुना चार चार, चार पंच बीस, बीस मतलब जीरो। अब जीरो आ गया, जीरो गुना किसी से हम करेंगे तो क्या वो जीरो ही देगा ना, बस जीरो लिख देना, आंसर जीरो हो गया और कुछ नहीं करना। जीरो को किसी से गुना करेंगे वो जीरो देगा, इसीलिए आंसर जीरो हो जाएगा, आंसर जीरो होगा। सवाल नंबर 18 की ओर आइएगा, 18 को आइए, 18 बनाते हैं। 18 नंबर सवाल कहता है ए और बी की आयु का अनुपात 6:5 है, ए और बी की आयु का अनुपात 6:5 याद है। 18 नंबर सवाल को देखिए, ए और बी की आयु का अनुपात 6:5 है, 6:5 दे दिए, वर्तमान में हम लिख देते हैं क्योंकि आयु का अनुपात दिया 6:5। अब उसके बाद कहता है दोनों की, अच्छा आय का दिया है, आयु ने आय है, चलो कोई बात नहीं आय है, तो ये आय का अनुपात हमने दे दिया। उसके बाद कहता है यदि दोनों की आय का योगफल 2200, तो 2200 दोनों का योग है, तो दोनों के योग कितना 11, जिसका वैल्यू रहता है उसे डिवाइड करते हैं। तो हमको पूछता है ए, तो ए का वैल्यू 6 है, बस 6 से गुना कर लीजिए, तो 200 बार में कटेगा, 200 गुना 6 यानी 1200 आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा 1200, ये उत्तर हो गया 1200। सवाल नंबर 19 पर आइएगा, 19 को समझाते हैं, 19 पर आना है। देखिए स्पीड में हमको चलना पड़ता है क्योंकि आप पढ़े हुए हैं, तो एक बार दो बार तीन बार वीडियो को आराम से देख सकते हैं तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा, नहीं चलेंगे तो इतना सवाल बनाना संभव नहीं होगा आधा घंटा में। सवाल नंबर 19 पर आइए, यदि किसी भिन्न के अंश को दोगुना किया जाए तथा हर को चार गुना किया जाए, भिन्न हम मान लेते हैं यहाँ पर 19 नंबर सवाल में कि भिन्न एक्स बटा वाई, ऊपर वाला अंश है, अंश को कहता है कि दोगुना कर दो तथा हर को चार गुना कर दो, चार गुना कर लिए तो भिन्न 5/2 प्राप्त होता है, तो भिन्न 5/2 प्राप्त कर लिए। तो हमको पूछता है कि मूल भिन्न क्या था, यानी x बटा वाई का मान ज्ञात करना और कुछ नहीं करना। x बटा वाई बराबर क्या करेंगे, या दो बार में कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 10/2, ये दो दो कैंसिल हो जाएगा तो 5/1 हो जाएगा, यानी 5 आंसर हो जाएगा, इसलिए आंसर 5 दिया है, बी नंबर आंसर हो जाएगा 5। समझ में आ गया। अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या दो इसमें है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी दो होती है, दो अभाज्य संख्या है, यहाँ पर आपका तीन भी अभाज्य संख्या है, तो दो और तीन दोनों हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा, लेकिन ए और बी नहीं दिया है तो आपका आंसर नन ऑफ दिस हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। दो भी अभाज्य संख्या है और तीन भी अभाज्य संख्या है। सवाल नंबर 21 पर आइएगा, 21 को देखिए,
21 नंबर सवाल कहता है कि मोहन अपने घर से सीधा 4 किलोमीटर चलता है। आप बताइए कि मोहन अपने घर से सीधा 4 किलोमीटर किधर चलेगा? कोई गारंटी तो नहीं है, मेरा मन किया तो इधर हम चलिए, किसी का मन करेगा ऊपर चलेगा, किसी का मन करेगा नीचे चलेगा, कोई इधर भी चल सकता है, गारंटी नहीं है, तो जिधर चलने की इच्छा है चल सकते हैं। मोहन अपने घर से सीधा 4 किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर हो गए, और फिर दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर, दाईं तो नीचे होता है, 2 किलोमीटर चला, उसके बाद इसके पश्चात वह 45 डिग्री दायां मुड़ता है, यानी 45 डिग्री दायां मुड़ता है, डिग्री वाला सवाल रहेगा, इस रोड पर अभी है तो 45 डिग्री दाहिना, दाहिना तो इधर होगा, तो यहाँ से मुड़ेगा तो दाहिना इस तरफ मुड़ेगा, लेकिन 45 डिग्री क्या बीचों बीच हो जाएगा ना, तो 2 किलोमीटर चलता है, 2 यहाँ डाल दिए। तो उसके बाद कहता है यदि वह अब उत्तर पश्चिम दिशा में, इसका नाम बोला कि उत्तर पश्चिम दिशा में, तो उत्तर पश्चिम दिशा में है तो उत्तर पश्चिम, ये दोनों का नाम देंगे तभी तो इसका नाम उत्तर पश्चिम होगा, तो उत्तर पश्चिम देने के लिए तो आप जानते हैं यहाँ पर जानते हैं क्या है, इधर वाले को पूर्व, इधर वाले को पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण, हो गया नीचे दक्षिण हो गया, आपको ये पता होना चाहिए। तो पश्चिम के क्लॉकवाइज उत्तर होता है, तो पश्चिम यहाँ लिखेंगे तब ना उत्तर लिखाएगा, तो पश्चिम यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा, तब यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, तब ये दिशा हो जाएगा उत्तर पश्चिम हो जाएगा, तो ये उत्तर हो गया, तो इस तरफ वाले को दक्षिण बोलते हैं, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया, तो ऊपर पूर्व हो जाएगा। तो हमको पूछता है वह किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, तो वह इस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, इस दिशा का नाम हमने क्या लिखा है, दक्षिण, इसलिए आंसर दक्षिण हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा दक्षिण, ये उत्तर हो जाएगा दक्षिण, एक बार फिर से देख लीजिएगा फिर मज़ा आ जाएगा। सवाल नंबर 22 की ओर आइए, 22 को देखिए, 22 नंबर बनाते हैं, 22 पर आना है। 22 कहता है कि सभी नेत्र हाथ हैं, ये कल भी इस टाइप का सवाल बहुत सारा आया हुआ था, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कल वाला। तो सभी नेत्र हाथ है, तो नेत्र आप नेत्र लिख दिए, हाथ है, हाथ ऊपर से हो जाएगा। उसका फिर कहता है सभी हाथ पैर हैं, तो सभी हाथ पैर है, पैर हमने कर लिया, तो कहता है सभी नेत्र पैर हैं, तो नेत्र को पैर के अंदर होना चाहिए, तो नेत्र जो है पैर के अंदर है ना, एक नंबर सही हो गया। 2 नंबर कहता है सभी पैर नेत्र हैं, तो पैर जो होना चाहिए नेत्र के अंदर में, पैर जो है नेत्र के बाहर है, 2 गलत हो जाएगा, 1 सही हो जाएगा, ये आंसर होगा। सवाल नंबर 23 पर आइएगा, 23 नंबर कहता है कि यदि किसी घड़ी में 10:20 हो रहे हो तो इसे किसी लंबवत दर्पण में देखा जाए तो प्रतिबिंब में कितना समय होगा? तो आपको याद रखना है कि लंबवत दर्पण में देखने के लिए 11:60 को आप घटा लेते हैं तो आपका लंबवत दर्पण का टाइम हो जाता है, 10:20 को आप घटा लीजिए, चाहे यह काल्पनिक हो या वास्तविक हो, चाहे जो भी चीज़ हो आप घटा लीजिएगा, आपका आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पर घटा लेते हैं, घटाते तो यह क्या हो जाएगा, 1, तो 1 हो जाएगा, 1:40 आपका आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। लंबवत दर्पण में सिर्फ आपको करना है कि 11:60 में किसी भी टाइम को आप घटा लीजिएगा, आपको उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 24 की ओर आइएगा, 24 को बनाते हैं, सवाल नंबर 24 वीडियो को देखिए आराम से, सिर्फ देखते रहिए, जब तक आपका क्लियर ना हो आप मेहनत करते रहिए, आपको समझ में अच्छी तरह आ जाएगा। सवाल नंबर 24 हमारे यहाँ कहता है कुछ फोन घड़ियाँ, फोन यह फोन हो जाएगा, कुछ फोन घड़ियाँ हैं, ये घड़ी हो जाएगा। उसके बाद कहता है सभी घड़ियाँ बंदूक है, सभी घड़ियाँ बंदूक है, यह फोटो बन गया। तो कहता है सभी बंदूक घड़ियाँ, सभी जिसके साथ लगा रहा तो वो अंदर में होना चाहिए, सभी बंदूक घड़ियाँ, ये बंदूक को घड़ी के अंदर में होना चाहिए, पूरी तरह फिट होना चाहिए, तो बंदूक घड़ी के अंदर में है, घड़ी के बाहर है, 1 नंबर गलत हो जाएगा। कुछ बंदूक फोन है, तो बंदूक और फोन कट रहा है, तो 2 नंबर सही हो जाएगा, 1 गलत न हो जाएगा, 2 नंबर सही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि कुछ मतलब कटना मतलब सटना मतलब वो कुछ में आता है। सवाल नंबर 25 की ओर आइएगा, 25 नंबर कहता है कि कुछ व्यक्ति अफसर हैं, तो व्यक्ति आपका ये ऐसे हो गया, तो कुछ ये कटेगा, अफसर हो गया। उसका कहता है कुछ अफसर क्लर्क है, तो क्लर्क यहाँ होगा, हो गया, लेकिन क्या क्लर्क ये काटेगा अफसर को, तो ये व्यक्ति भी कट सकता है, क्योंकि अफसर का घेरा यहाँ तक आता है, तो एक फिगर और बनने का चांस है, ये व्यक्ति हो जाएगा, ये व्यक्ति हो गया, यहाँ पर अफसर हो जाएगा, और यहाँ से ये क्लर्क होगा, ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम आते हैं, कुछ यहाँ पर वो कहता है कि कुछ चपरासी क्लर्क है, तो कुछ चपरासी क्लर्क, चपरासी से कोई मतलब नहीं,
तो चपरासी से कोई चपरासी तो यहाँ है ही नहीं, इसलिए गलत हो जाएगा। कुछ कलर चपरासी है तो चपरासी इसमें है नहीं, इसलिए गलत हो जाएगा। इसलिए आपका आंसर ये गलत, दोनों गलत हो जाएगा। सवाल नंबर 26 आइएगा, सभी बच्चे गेंद है, तो सभी बच्चे गेंद है तो ये बच्चे हो गया, ये बच्चे हो जाएगा, सभी बच्चे गेंद है, ऊपर से गेंद हो जाएगा, गेंद हो गया। कुछ गेंद बल्ले हैं, कुछ गेंद बल्ले है तो ये कट जाएगा बल्ले। अब ये बल्ले बच्चे को भी काट सकता है, एक फिगर और बनने का चांस है, तो ये बच्चे होगा, ऊपर से गेंद होगा और यहाँ से बच्चे बल्ले ऐसे कटेगा, क्योंकि बल्ले इसको भी काट सकता है, क्योंकि इसको काटने के लिए गेंद को जाएगा तो बच्चे भी कट सकता है। यहाँ पर कहता है कुछ बल्ले, कुछ बच्चे बल्ले हैं, तो दोनों कुछ बच्चे बल्ले हैं, बच्चा और बल्ला में कोई कंसर्न नहीं है, ये गलत हो जाएगा। एक नंबर गलत, ये भी गलत हो जाएगा। कुछ बल्ले बच्चे हैं तो बल्ला बच्चा है ही नहीं, आंसर आपका गलत हो जाएगा, दोनों गलत हो जाएगा। समझ में आ गया। अगला सवाल 27 नंबर आप बनाएंगे, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। 27 और 28 होमवर्क देते हैं, इसको बना के कॉमेंट बॉक्स में आंसर देना, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक सेंटर की ओर से जय हिंद।